दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और आज मेरे पास है नेक्स्ट जनरेशन MG हेक्टर 2023। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस कार के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट एंड सेगमेंट है, तो उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। तो कलर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर भी जो है इसके अंदर एक नया कलर लॉन्च किया है, ब्राउन कलर। इसके अलावा आपको वाइट, ग्रे, सिल्वर और वाइट के अंदर ड्यूल टोन का ऑप्शन, रेड और ब्लैक। तो ये टोटल आपको 7 कलर ऑप्शंस इस MG हेक्टर के अंदर मिल जाएंगे। और काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में मैं इस वीडियो के बीच में बात करते रहेंगे, जैसे इसको कवर अप करते रहेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दूसरा सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए सर्च कीजिए कारक्वेस्ट 1 और फेसबुक के लिए सर्च कीजिए कारक्वेस्ट। और अब हमारी वेबसाइट कारक्वेस्ट भी लाइव है, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। सो सामने से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो इसका जो फेसिया है, यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जो ग्रिल है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पे कर दिया है और ये क्रोम का यूजेस आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। तो उन लोगों के लिए जो इनको क्रोम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद यहाँ पे आने वाली है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर अडास फीचर्स आपको मिलते हैं, अडास लेवल 2 यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ऑल 4 साइड्स में कैमरा मिल जाएगा। सामने की तरफ एक ये रडार आपको यहाँ पे मिलेगा। और क्या क्या फीचर्स आपको अडास के अंदर मिलते हैं वो भी मैं कवर अप करूँगा इसके साथ में। बिल्कुल में MG का लोगो मिलेगा और साइज भी इसका काफी अच्छा खासा रखा गया है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का काफी यूजेस भी आपको दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे और इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ड्यूल फंक्शन DRLs है और गाड़ी के अंदर जितनी भी लाइट्स आपको दी गई हैं वो सभी LED सेटअप यहाँ पे ऑफर किया गया है। ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है और नीचे की तरफ इसको ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो हेडलैम्प यूनिट का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। जो अभी जैसे जो रेगुलर अभी हेक्टर आ रही है उसके अंदर भी आपको सेम ही ये मिलता है। यहाँ पे भी ड्यूल आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिलेंगी जो LED सेटअप है और नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको दोनों तरफ सेंसर्स मिल जाएंगे, जो बेसिकली कॉर्नरिंग के लिए आपको सेंसर्स मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि क्रोम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको ये क्रोम मिलेगा यहाँ पे भी। और सामने जो चिन गार्ड है यहाँ पे भी क्रोम का काफ़ी अच्छा खासा यूजेस किया गया है। ऊपर की तरफ जब आप इसका इंजन हुड देखते हैं तो इंजन हुड का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। और जो वाइपर्स आपको मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे और ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। आप इसको चेक कर लेते हैं साइड से। तो जैसे आप जानते हैं जो हेक्टर है एक मिड साइज़ SUV है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी इस गाड़ी की लेंथ रखी गई है। और एक फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसके अंदर एड ऑन कर दिया है, ये आप इसको देख सकते हैं, वॉक अवे लॉक और अप्रोच अनलॉक। तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक अनलॉक होगी, और अगर मैं इस गाड़ी से दूर चला जाता हूँ इस रेंज से बाहर तो ये अब लॉक हो जाएगी। तो ये फीचर्स अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसका टायर साइज़ जब आप देखते हैं तो अच्छा खासा टायर साइज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ड्यूल टोन के साथ आपको ये मिलता है 18 इंचेस अलॉय व्हील और जो टायर प्रोफाइल है 215/55 टायर प्रोफाइल आपको मिलेगी। ऑल अराउंड आपको ये स्कर्टिंग्स दी गई है जो गाड़ी के सभी 4 साइड्स में आपको मिलती है। डोर्स पे आपको ये यहाँ पे क्रोम का यूजेस दिया गया है और यहाँ पे मॉरिस गैराजेस की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। ORVM का साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। आपको कैमरा यहाँ पे भी मिलेगा उधर की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 कैमराज आपको यहाँ पे मिलेंगी और एक कैमरा आपको वहाँ पे सामने स्क्रीन जो विंडशील्ड है यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है। LED आपको यहाँ पे ब्लिंकर्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाले हैं। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे और साथ में क्रोम का यूजेस किया गया है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ आपको यहाँ पे एक्सेस बटन मिल जाता है, यहाँ पे भी क्रोम का यूजेस किया गया है। जब फ्रंट वहाँ से स्टार्ट होके रियर तक चला जाता है और बी पिलर को ब्लैक फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से अगेन जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी खासी लगती है। रियर में भी आपको ये जो क्वार्टर ग्लास है इसमें भी आपको ओपन स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। और इनका साइजेस भी देख सकते हैं कि आप अच्छा खासा यहाँ पर रखा गया है। ऊपर की तरफ सिल्वर कलर के साथ आपको ये रूफ रेल्स यहाँ पर दी गई हैं। सो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल्स हैं गाड़ी के वो काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। अब चेक कर लेते हैं गाड़ी को रियर। सो जो रियर लुक्स हैं MG हेक्टर के,
वो कुछ लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं, जिसके अंदर बीच में कुछ चेंजेस भी किए गए थे, और अब जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे मुझे यहाँ पे लगे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक फीचर आपको दिखा देता हूँ कि आपको पावर टेलगेट यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये अब ऑटोमेटिकली सेंस किया है इसने, और ऑटोमेटिकली जो इसका टेलगेट है ये ओपन हो जाएगा। तो पावर टेलगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओपनिंग भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी इसकी ओपनिंग यहाँ पे है। अंदर स्पेस जब आप देखते हैं तो स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट्स फोल्डेबल हैं, अगर आप इनको फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड आप कर सकते हैं। नाइट यूजर्स के लिए आपको यहाँ पे लाइट दे दी गई है, और पार्टीशन के लिए आपको ये यहाँ पे कर्टेन जो है ये दिया गया है। उसके बाद कुछ एक स्पेस आपको मिल जाता है, कुछ रखना चाहें रख सकते हैं, और यहाँ पे सबवूफर आपको मिलता है, और टूल किट वगैरह वो आपको यहाँ पे दिया गया है। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ माउंट उसको किया गया है, और जो उसका साइज़ है वो 17 इंच स्टील रिम आपको मिलता है। क्लोज के लिए आपको यहाँ पे ये बटन दिया गया है, तो उस बटन को आप प्रेस करेंगे जो बूट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाता है। सो अब इसका एक बार रियर लुक्स देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंप्लीट जो है ये लाइट का LEDs का सेटअप यहाँ पे मिलेगा। ये ब्लेड लाइट्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। मैं एक बार ऑन करके आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि किस तरह की लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये ब्लेड लाइट्स आपको मिलती हैं और देखने में काफ़ी अच्छी खासी लग रही हैं। कंप्लीट उस पार्ट से इस पार्ट को ये कनेक्ट करती हैं। जो इंडिकेटर्स भी आपने देखे वो सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं, तो ये सेंस कर रहा है। आप इसको सामने जो स्क्रीन है वहाँ से काफ़ी कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो आप वहाँ से इसको ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सनरूफ है सनरूफ को भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके जो इसका आपको स्क्रीन मिलता है उस स्क्रीन से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है हेक्टर की बैजिंग, और इसका जो साइज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है फ़ोन्स वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फ़ोन्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे भी आपको कैमरा मिल जाएगा, और जो इसका ये लोअर पार्ट आप जब आप इसका लोअर बम्पर ये देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, और ये बार बार ओपन हो रहा है क्योंकि अभी मैं इसके पास ही हूँ, इसी वजह से ये ओपन हो रहा है। और एक अच्छी बात और है कि अब जैसे इसका बूट ओपन हो गया तो जो लाइट्स हैं, क्योंकि अब इसके जो लाइट्स हैं वो बूट के ऊपर ही माउंटेड है तो यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं बचती है, तो जो लोअर लाइट्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, और इंडिकेटर्स वगैरह जो हैं वो नीचे की तरफ ही आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ये आपको यहाँ पे डमी एग्जॉस्ट टिप्स दोनों तरफ दिखाई देंगे, और यहाँ पे भी क्रोम का यूजेस देखने को मिलेगा। 4 आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। सो ये था इस गाड़ी का रियर और बूट स्पेस। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे और चेक कर लेते हैं गाड़ी का रियर सीटिंग कम्फर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं आपको ड्यूल टोन के साथ यहाँ पे मिलेंगी। इस ब्लैक और बेज कलर का यूजेस यहाँ पे किया गया है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूजेस किया गया है, और यहाँ पे थोड़ा आपको ये टेक्सचर फिनिश दी गई है जो थोड़ा सिल्वर फिनिश के साथ में है। और आप जब स्पीकर्स भी देखते हैं तो इन्फिनिटी के स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे बोतल होल्डर, और ये आपको नीचे की तरफ स्पीकर दिया गया है, और स्पीकर के ऊपर भी आपको यहाँ पे डिजाइनिंग थोड़ा इसको दिया गया है। अंदर की तरफ स्कफ प्लेट्स जो है वो MG की स्कफ प्लेट्स यहाँ पे मिलेगी। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, लेदर फील सीट्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। ये बेज कलर की सीट्स का यूजेस यहाँ पे किया गया है। जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। अब अंदर की तरफ चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सीट्स फोल्ड करके, क्योंकि जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो कंप्लीट फ्लैट ये बेड यहाँ पे बन जाएगा, तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। अगर आप कहीं आउटिंग के लिए गए हैं और इसको यूज़ करना चाहें एज अ बेड, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और अपने हिसाब से इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है। तो मैं इधर की तरफ आ जाता हूँ ताकि काफ़ी अच्छे से आपको दिखा सकूँ। तो ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल है, और यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली हो जाती है, तो अपने हिसाब से आप इसका जो रिक्लाइन एंगल है उसको आप एडजस्ट यहाँ पर कर पाएंगे। थाई स्पोर्ट अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेग रूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि सामने वाली जो सीट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। अगर मैं सामने की तरफ बैठता हूँ तो मेरी जो सिटिंग पोजीशन रहेगी वो यहाँ पे रहने वाली है, और उसके बाद इतना आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। और इस स्पेस को और ज़्यादा अच्छा बना दिया है इसके फ्लैट फ्लोर ने, क्योंकि जो फ्लोर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो बिल्कुल फ्लैट फ्लोर यहाँ पे मिल रहा है, तो अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। रियर में जब आप देखते हैं तो टोटल आपको 3 हेडरेस्ट यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, तो 3 पैसेंजर यहाँ पे बैठ सकते हैं। हालांकि 2 के लिए जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन 3 बंदे बैठ के ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं। और इस सेंट्रल हम फ्लैट करने सेंटर इसका जो फ्लोर है उसको फ्लैट करने की वजह से और ज़्यादा कंफर्टेबल ये होने वाला है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसकी जो विड्थ है काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो रियर सीटिंग कंफर्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये अभी हेक्टर है, तो ये 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ में है। यहाँ पे आपको हेक्टर प्लस भी मिलेगा, जहाँ पे 6 और 7 सीटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। इस रियर सेंट्रल कंसोल को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ एक
2 एम्पियर का आपको यूएसबी ए चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे एक और ऐड कर दिया जाता अगर सी टाइप तो और ज़्यादा अच्छा ये हो सकता था। नीचे की तरफ स्पेस दिया गया है, अच्छा खासा स्पेस है, तो यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह आराम से रख पाएंगे। और जब इसके बैक में भी देखते हैं तो बैक में भी आपको यहाँ पे ये पॉकेट्स दी गई हैं, तो इनको भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर पाएंगे। अब ड्राइवर सीट पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट के बारे में, जो है बुडमू। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल करनी है, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट भी उनकी विजिट कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको जस्ट एक ऐप ओपन करनी है बुडमू, और आपके पास जो भी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको मॉडल सेलेक्ट कर देना है। तो सारी डिटेल्स जब आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी स्पेयर पार्ट जो आपको रिक्वायरमेंट है अपनी गाड़ी के लिए, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और प्राइजेस वगैरह जो है वो सामने की तरफ आपको दिखाई देगी। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको 10 डेज का एश्योर्ड रिटर्न भी यहाँ पे मिलता है, इन केस आप किसी वजह से उस पार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो बुडमू आपको 10 डेज का एश्योर्ड रिटर्न भी देते हैं। तो आप अपनी गाड़ी के लिए घर बैठे आप कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सो अब ड्राइवर सीट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह की यहाँ पर मिलने वाली है। सो आपको 2 की यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए कंट्रोल, और इधर की तरफ MG का लोगो दिया गया है, और काफ़ी स्लीक सी जो है ये की रखी गई है। एक्सेस बटन मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ आपको मिलता है, ड्राइवर और को ड्राइवर। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं आपको अगेन ड्यूल टोन के साथ ये मिलने वाली है, इस ब्लैक और बेज कलर का यूजेस किया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिलेंगे लॉक अनलॉक के लिए, 1 टच अप डाउन ये रहने वाली है। आपको ट्विटर्स दिए गए हैं, और नीचे की तरफ स्पीकर। अब एक बार सीट्स देख लेते हैं। वैसे ड्राइवर सीट जो है मेरे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, तो 6 वे आपको ड्राइवर सीट एडजस्टेबल मिलती है पावर एडजस्टेबल, और जो को ड्राइवर सीट है वो 4 वे पावर एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। और जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे यहाँ पे लगी, बैठते ही आपको फील होगा कि सीट्स जो है वो कंफर्टेबल है। तो सेकेंड रो तो काफ़ी कंफर्टेबल था ही, ये जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे लगने वाली है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। सो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं बूट ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, और ये आपको जो इल्यूमिनेशन है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, उसकी लाइट सेट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, मिरर्स के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्बियंट लाइट। तो रात के टाइम और ज़्यादा अच्छा एम्बियंस यहाँ पे हो जाता है। नीचे की तरफ भी आप देख पा रहे हैं कि अभी आपको लाइट्स यहाँ पे मिल रही हैं, और एक अच्छी बात इस एम्बियंट लाइट की ये है कि ये 8 कलर ऑप्शन के साथ मिलती है, और आप इसको वॉइस कमांड के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो अपने मूड के हिसाब से आप इस लाइट का कलर जो है वो चेंज कर पाएंगे। और ये जैसे अभी जो ट्रांसमिशन है ये CVT के साथ में है, तो यहाँ पे आपको फुटस्टेप भी मिल रहा है। हालांकि इसकी जो विड्थ है वो कम रखी गई है, अगर विड्थ थोड़ी और ज़्यादा हो जाती तो और बेहतर ये हो सकता था। स्टेयरिंग जब आप देखते हैं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ है, और काफ़ी स्मूथ भी है, काफ़ी स्मूथली इसकी एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे। लेदर रैप्ड आपको ये मिल रहा है, डीकट स्टेयरिंग आपको दिया गया है, सिल्वर फिनिश का यूजेस किया गया है। इधर की तरफ आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इधर की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं। अब एक बार सामने की तरफ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही इग्निशन आप ऑन करते हैं तो इस तरह का क्लस्टर आपको, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देगा। मैंने बताया था कि काफ़ी स्मार्ट हो गया, तो खुद से बड़ी सारी बातें करती रहती है एक्टर ना। सो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज वगैरह दिया गया है सामने की तरफ, एग्जैक्ट डोर इंडिकेशन, और जो भी ड्राइवर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने की तरफ दिखाई देंगी। अभी जैसे डोर ओपन दिखा रहा है, तो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टेयरिंग से आप देख सकते हैं, टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो करने वाला है। सो अब एक बार देख लेते हैं इसका डैशबोर्ड, कि किस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। सो जब डैशबोर्ड आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है, और जो मटेरियल की क्वालिटी यूज़ की गई है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे लग रही है। ये कंप्लीट सॉफ्ट टच यूज़ किया गया है, हालांकि ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे सामने वाला जो पार्ट है सिर्फ ये सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है, और ये जो है ये कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का यूजेस किया गया है। एम्बियंट लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लगेगा। कहीं कहीं बीच में आपको ये सिल्वर फिनिश यहाँ पे दी गई है, और सबसे जो अट्रैक्शन का पार्ट है वो है भाई इसका ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जो इंडियाज लार्जेस्ट आप बोल लीजिए, 14 इंचज का आपको ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो, ये तो बिल्कुल बेसिक से हैं। AC के कंट्रोल्स और हर चीज़ आपको यहाँ पे
दी गई है, और अब जो है आपको सनरूफ के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर मैं ये क्लिक करता हूँ और सनरूफ में यहाँ से इसको स्लाइड करके क्लोज करना चाहूँ, तो जो सनरूफ है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये दिखा भी रहा है और ऊपर वो क्लोज भी हो रही है, तो यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे आप करेंगे तो जो सनरूफ है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको ये मिलते हैं। एम्बिएंट लाइट का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ग्रीन तो ग्रीन हो गया, तो अपने हिसाब से जो कलर्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रैंडम पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 9 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहेगा। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग है तो यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा आपको ड्राइवर असिस्टेंस फीचर भी यहाँ पे मिलता है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप उसकी सेंसिटिविटी जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। और इस स्क्रीन को अगर आप हाफ में यूज़ करना चाह रहे हैं तो हाफ में भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर का पार्ट किसी दूसरे यूजर्स के लिए आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एग्जैक्ट अभी तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, टच वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है। और 360 का व्यू भी आप यहाँ पे देख लीजिए, 2D व्यू दिखा रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है 3D व्यू। आपको मैं भी कैमरे के अंदर इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जो क्लैरिटी है वो ठीक ठाक यहाँ पे रखी गई है। बाहर जब हम ओपन स्पेस में होंगे तो और ज़्यादा अच्छे से इसका पता लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और AC के कंट्रोल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। नीचे की तरफ आपको ये यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए ऑप्शन मिलेगा, और इधर की तरफ आपको दिया गया है अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का एक छोटा सा बटन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको ये दिया गया है। अभी जैसे ये दिखा रहा है कि वायरलेस चार्जिंग, जो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं है अभी। और इस तरफ आपको एक USB पोर्ट मिलेगा, और उस तरफ एक 2 एम्पियर का USB-A चार्जर आपको दिया गया है। CVT ट्रांसमिशन के साथ में ये है, और ये कंप्लीट यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। आपको ये मोड भी यहाँ पे दिया गया है, इको मोड, पार्क, रिवर्स, तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स, तो ये सब हम आपको ड्राइविंग इन टाइम ही बता पाएंगे। ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल, ट्रैक्शन के लिए AC मैक्स, और ये हजार्डस लाइट के कंट्रोल। उसके बाद आपको पार्किंग के लिए ये आपको ऑटो होल्ड का फीचर यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपको सामने वाले जो सेंसर्स हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे पार्क असिस्ट मिल जाएगा। और ये आपको यहाँ पे मिल जाता है कप होल्डर विद स्लाइडर, तो यहाँ पे आपको ये स्लाइडर भी मिलता है। एक सेंटर में आर्मरेस्ट, जिसको आप अपने हिसाब से स्लाइड करना चाहें तो स्लाइड भी आप कर सकते हैं। और ओपन करके इसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाती है, नॉर्मल स्टोरेज आपको ये मिलती है। इसके अंदर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको दिया गया है। और जब ग्लोबॉक्स आप इसका चेक करते हैं, सो ग्लोबॉक्स का स्पेस भी आपको यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, तो काफ़ी आप इसको अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर पाएंगे। और एम्बिएंट लाइट जो है, अभी जैसे ये रैंडमली कलर चेंज हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ये लग रही है, और रात के टाइम तो और ज़्यादा अच्छी ये लगने वाली है। उसके बाद जब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, और साथ में आपको ड्राइवर साइड भी मिल जाता है विद इल्यूमिनेशन, और ये ऑटो डिमिंग IRVM। यहाँ पे आपको गॉगल्स होल्डर दिया गया है, ये सारे सनरूफ के कंट्रोल्स, और ये आपको लाइट्स यहाँ पे दी गई है। सनरूफ भी आप देख सकते हैं कि ओपनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी खासी इसकी रखी गई है। आप इसको यहाँ से ओपन क्लोज इन से भी कर सकते हैं, और जो अब मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है तो उस स्क्रीन से भी आप इसको कर पाएंगे। सो ये था इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक जो फीचर्स है जैसे 6 एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, तो ये सारे तो आपको ऑफर किए गए हैं। उसके साथ ही आपको अडास लेवल 2 यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर आपको टोटल 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। एक फीचर मैं आपको उसके अंदर से बता देता हूँ, TGA ट्रैफिक जैम असिस्टेंस, जहाँ पे बेसिकली आपका जो एडप्टिव क्रूज़ है वो यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। इस रडार की हेल्प से और उस कैमरे की हेल्प से अगर आप कहीं ट्रैफिक जैम के अंदर है तो वो सामने वाला जो व्हीकल है उसकी स्पीड के हिसाब से स्टेयरिंग की मूवमेंट रखेगा, और जो स्पीड है अगर ब्रेक की रिक्वायरमेंट है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करेगा, और जो लेन है आपको उस लेन के अंदर वो असिस्ट करेगा। और ये सिर्फ एक असिस्टेंस सिस्टम है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप रिलैक्सिंग मोड में चले जाएं, तो ये सिर्फ एक असिस्टेंस सिस्टम है जो आपको साथ में असिस्ट करेगा, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। सो एक जो फीचर आपको और यहाँ पर मिलता है वो है डिजिटल की, तो जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको डिजिटल ब्लूटूथ की मिलती है। तो आप गाड़ी की अगर फिजिकल की आपके पास नहीं है तो आप ब्लूटूथ की मतलब आपका जो फ़ोन है वो एक की तरह यहाँ पे काम करेगा, और आप इस की को
दो लोगों के साथ और शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट भी मिलेगी, तो उस टाइम के हिसाब से जो की है वो वहाँ पे वैलिड रहेगी, और उसके बाद जो वो लिंक है वो अनवैलिड हो जाएगा। तो ये डिजिटल की भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इस MG Hector 2023 के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा और ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।